ये लाए बस आज। ये देखो मम्मी क्या ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं। और ये देखो ये आ गया पीछे पीछे। पालक से, नाली मेथी से, कांदो से, लोहर से, पुदना से। नाली मेथी है, मोटी मेथी नहीं मालूम, मोटी हो नहीं मालूम, तापमान ही था। सब्जी लेना सीख रहा है मोटे, सब्जी लेना सीख रहा है ना। कांदो लीलो, कांदो आपो कड़ी पत्ता तमार કડી પત્તા મારું છે ને પેલું થઈ ગયું એટલે મેડમ તમે જે આ રાત હતો કેમ પણ તમે કે છે કેટલા થી આપડા 10 15 ને 10 ને 10 20 35 હા કઈ નહી પાલક છે પાલક પાલક લેમ કે જિગ્નેશ હા લે ને હા લાવ પાલક બોલ કે પાલક પનીર નહી કરે પનીર તો આ લોકો ને તો તે તો નહી ભાવે હે બહુ હાજુ લાગે બાકી આરે તો લાગે તો લોકો ને નહી ભાવે પાલક ને કેટલા થયા 38 હા ને આ પાત્રી કઈ રાખ ખાઈ પાહે બહુ સારી સબ્જી લે લી હા દેખો કિતા સબ લે લિયા આને જાને મુઆ કે અંદર માટી મુઆ છો કાઈ દનુ છો કાઈ પાકે મે કિતા આ લે લો બરો બોલે લો હા મોતે અંદર ચાલે ખાલી મને સર્વે નંબર આપો કેમ જાનું ને પલેચાન કરે છે તું સર્વે નંબર મોકલાવો ને ખાલી મને એટલે હું તમને જે નંબર ચાલે તે દે હા બોલા તા ચાતુને બોલા ચાદુ तो फ्रेंड्स आज तो डेढ़ बज चुके हैं और मेरी गुड मॉर्निंग अभी हो रही है क्योंकि मैं आज सुबह से इतनी बिजी थी। सुबह एक तो मानव की एग्जाम थी तो 9 बजे उसको स्कूल छोड़ना था, इसके लिए उसके लिए नाश्ता बनाना था तो हम सब लोग ने जल्दी नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैं जो मुंबई गई थी उसके बाद तो मेरा तबीयत बहुत ठीक नहीं था तो सब कपड़े धोने बाकी थे, जो कलर जाते हैं वो कपड़े, बाकी सब कपड़े तो मैं वॉशिंग मशीन में सूख कर लेती हूँ लेकिन कलर वाले कपड़े मैंने सब धोए। फिर ये हमारा छोटा बच्चा जो हमारे घर पे आया है वो पीपी करता है, सुसु करता है, तो वो सब कपड़े वो भी सब धोए मैंने। तो वो करते करते मुझे बज गए 12:30। उसके बाद मैंने खाना बनाया, दाल चावल और रायता, और फिर मानव आ गया। अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। भैया एक 5 किलो वाला आटा दिला दो भैया। भैया मेरी माँ का तबीयत खराब है भैया, ऐसा इंसान नहीं हूँ भैया। आपका दिल जो देना होगा दो, वरना लाइक करो फॉलो करो। तो फिर से अभी आज दिन की शुरुआत करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ कल्पना और आप देख रहे हैं कल्पना सोलंकी व्लॉग्स। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आधा दिन तो मेरा गुजर चुका है और आधा दिन बाकी है। तो देखते हैं आज नया क्या कर रहे हैं। क्या नया करने वाले हो? ये देखो स्कूल से आके कैसे खा रहा है, ये रोटी के अंदर श्रीखंड लगा के फिर रोल करके खा रहा है। जैम नहीं खाएगा, श्रीखंड खाएगा, ऐसा है मेरा बेटा उल्लू का पट्टा। तो हमारे लंच की तैयारी हो चुकी है और मैं खाना निकाल के लेके आई हूँ, दाल चावल रायता और सब्जी। ये हमारे दाल चावल, ये हमारा रायता मिक्स रायता, और ये फली की सब्जी। तो आज रायता मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाया है, उसके अंदर मैं टमाटर, ककड़ी, प्याज, दही और चाट मसाला, लेकिन बूंदी नहीं डाली। तेरी तो बूंदी की, तो मैं कल खिलाऊंगी बूंदी रायता, ठीक है? बूंदी लेके आना चाहिए ना रोज, मुझे बोलते हो। चलो खा लो जो भी मिलता है अच्छे से। ऊपर वाले मुझे याद करवाया होता तो मैं ले आता ना। ऊपर वाले की साई डेयरी से मैं दही लाया ना, उधर बूंदी मिलती है, तुम मुझे बोलती तो मैं ले आता। मीठी वाली बूंदी मिलती है भाई,
मीठी वाली बूंदी का रायता बनता है क्या कभी? तो उसमें से मीठा निकाल देते हैं हम पानी में भिगो के। हे भगवान, इन लोग को कौन समझाए सच्ची में। इन लोग के साथ तो दिमाग मेरा आधा हो जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हारे पास पूरा है? नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं ना, इसीलिए इधर बैठी हूँ। अच्छा है भी क्या हमारे जमाने में। चलो खाना खा लेते शांति से। ये देखो इन लोग की मस्ती खत्म ही नहीं होती है। मस्ती इतनी मस्ती करते, इतनी मस्ती करते। इसकी एग्जाम है लेकिन एग्जाम नहीं दिख रही है, बस जादू दिख रहा है। ये देखो ऐसा मस्ती करते, ऐसा मस्ती करते। नहीं जादू, नो। एक बार नो बोल दिया तो जादू समझ जाता है। मेरा बच्चा बहुत प्याला बच्चा है। पूरा पट्टा फाड़ दिया ये पहले। पापा का खर्चा बढ़ा दिया बेटे ने। पापा का खर्चा बढ़ा दिया। देखो अभी वापस भी ले रहा है। हम लोग अभी जा रहे हैं जादू का बेल्ट लेने के लिए, क्योंकि उसने बेल्ट पूरा तोड़ दिया है। तो चलो आज नया ले लेते हैं इसके लिए। अभी ना आज से हम लोग, मतलब कल से हम लोग ने डिसाइड किया है रोज शाम को कुछ ना कुछ नाश्ता मुझे बाहर करवाना है। इनको पनिशमेंट है एक महीने तक। एक महीने तक सब खाली हो जाएगा गाइस। मुझे लगता है अभी मैं बाजू में कहीं पर मैगी की लारी खोल देता हूँ, रोज उसको लारी पे ले जाके नाश्ता करा दूंगा मैगी।
चलेगा ना? तुम्हें जो करना है करो, मुझे तो खिलाना ही पड़ेगा। यह है मैसूर मसाला और एक सादा डोसा, और ये अपना भुक्कर। मोटी हो जाएगी तो मोटी होना है। सब लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, मैं जब पतली थी खाती नहीं हुई क्या? कितनी पतली क्यों है? अभी मोटी हो रही तो भी प्रॉब्लम। चलो खा लो, फिर मिलते हैं। मोटे ने सारा खाना खा लिया, देखो दो डोसा खा गया, मैसूर मसाला भी खत्म कर दिया। इतनी भुक्कड़ होती ना तो ये सब्जी नहीं बचती यहाँ पे, ठीक है? इसके इसके बोलने पे मत जाओ। इधर का सांभर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं डोसा खाने के लिए। देखो आपको पता चल जाएगा, एक वाटी दो वाटी, तुमने नहीं खाई तो मुझे अच्छा लगता है तो मैंने ली, दो वाटी तीन वाटी वाले। खाओ खाओ, और मंगाओ। हाँ मंगाओ, क्या चाहिए? सांभर चटनी फ्री है, मंगाओ। तेरा खून पीना है। चलो फ्रेंड्स, घर पे जाते इसको खून पिलाते। ये तो रास्ते में यहीं पे काट के पी जाएगी। आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम। चलो बाय बाय टाटा, घर पे जाना है, जल्दी जल्दी लेट हो गया है। જી ના તું એ ખા બદામ ગુલ મેં તો કે પિસ્તા જ ખાવા કઈ લો ચોપાટી જાપો ને હમ ये देखा हमारी कुल्फी। थैंक यू। हमारी है गुलाबी वाली, गुलाबी वाली तुम्हारी है। गुलकन खिला दे भाई। फूड हब है पूरा, वहाँ पे आए थे तो वहाँ पे मैंने मैसूर मसाला डोसा खाया और कुल्फी खाई। और अभी हम बैक टू ट्रैवलियम जा रहे हैं अपने घर, और बच्चे लोग के लिए हम लोग ने कुल्फी ले ली है। आज मैडम जी ने जादू के लिए थोड़ा सा खर्चा करवा दिया। करना चाहिए ना, बच्चा करना ना? चाहिए, करना चाहिए। मैंने भी कहा मना किया। इसके लिए बिस्किट लिए, ये छोटे बिस्किट के पैकेट हम लोग लाए ट्राई करने के लिए कि उसको अच्छा लगता है कि नहीं, खाता है कि नहीं। अगर उसको आदत पड़ेगी खाएगा तो वापस लाएंगे। फिर ये 6 का पैकेट था लेकिन ये भी एक ही लिया ट्राई के लिए। ये ना स्टिक खाता नहीं है ज्यादा, जो आई है स्टिक वो भी नहीं खा रहा है, ऐसे ही छोड़ देता है। तो सोचा पहले इसको ट्राई करवाते फिर पूरा पैकेट लेके आए। तो ये बॉन हड्डी, डॉगी की हड्डी खाने के लिए, और ये उसके लिए लीज। लीज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? ये लाए उसके लिए, उसने बेल्ट अपना काट के तोड़ दिया तो ये नया लाए। अभी ज़्यादा हैवी वाला नहीं लाए, मतलब थोड़ा पतला वाला लाए क्योंकि छोटा है ना, इतना बड़ा नहीं है। उसने तो उसने बोला ना, उसने ही बोला कि इतना हैवी मत लो, उसके उम्र के हिसाब से ये बराबर है। तो ये क्या है, वो मुंह में भी डालेगा ना तो जल्दी खराब नहीं होगा। हाँ, स्ट्रेचेबल है। और ये लंबू भी है, इसको पहले तो गले में लगाती हूँ। तो ये लाए, अभी रुको जादू के लिए बिस्किट ओपन करो, ट्राई करते हैं ना वो खाता है कि नहीं। अरे एक बात, आज जादू ने पूरी स्टिक है ना खाई, मैंने उसको दी। हाँ, तो वो बड़ा हो रहा है ना धीरे धीरे, तो उसकी भूख बढ़ेगी, उसको अच्छा लगेगा तो खाएगा। देखो देखो उसका मुंह देखो, वो उसको ना कुछ भी, जब कोई भी चीज किसी के हाथ में कोई भी चीज होती है या आती है तो वो मुंह ऊपर करके स्मेल करता है पहले। ऐसे नहीं खिलाते, लाओ। हाँ ऐसे 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 देने का, ऐसे
फिर तुम लोगों को दांत लगेगा तो तुम बोलोगे उसने काटा, ऐसा नहीं होगा। स्टीक नहीं है, बिस्किट है ये। बच्चा नहीं है बेटा, नहीं अभी नहीं, खाना खाने के टाइम पे, अभी बार बार थोड़ी ना देख सकते है ना। पेन हो रहा था, पूरा बॉडी पेन हो रहा था, तो मैंने आज ऑयल मसाज करवाया, तो इतना रिलैक्स हो गई मैं, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। और फिर मैंने थोड़ा गुनगुने पानी से नहाया तो मैं एकदम, मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ आज। तो यहाँ तक वीडियो देखा है फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। जो भी नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। Oh, oh, oh.